तो वो लोग पिन नंबर दिए थे पते में, जो पता दिया था उसमें पिन नंबर दिए थे। पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया, मैं चलने लायक भी नहीं था, स्थिति मेरी इतनी खराब हो चुकी थी। मेरे पिताजी को बोला कि ये जो पिन नंबर है, ये पिन नंबर तो इस देश में कहीं ना कहीं होगा। चलो मोबाइल नंबर गलत है, पता ठिकाना गलत है, लेकिन ये जो पिन नंबर आया है, अगर ये पिन नंबर का पोस्ट ऑफिस हमको मिल जाता है तो शायद हम लोग खोज लेंगे। तो उस पिन नंबर को लेके हमारे यहाँ का जो टाउन है, हम लोग वहां गए। वहां से फिर पता चला ये कलकत्ता में है, ये जो पिन नंबर है ये पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में कहीं है। तो फिर पिताजी को मैं भेजा, जो कि कपड़े का बिजनेस कर रही थी, कलकत्ता से लाती थी, वो थोड़े से चटकट टाइप की थी। वो बोली कि मैं खोज दूंगी, चलो। तो गए वहां, तो खोजे भैया ये सारी बातें, वो क्या है रोना टाइप का जाता है, किया धरा तो सब मेरा ही है कि कैसे पहुंचे 7 मंजिला पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में। वहां जाके बाबू लोगों के हाथ पैर जोड़ के मेरे पिताजी रोए और बोले कि मेरे को कैसे भी करके ये पिन नंबर तक पहुंचा दीजिए। फिर वो लोग उस गांव में पहुंचे, गांव में पहुंचे तो कोई जो है नहीं, ऐसा कोई पागल है नहीं, क्योंकि पागलपंती तो वो करती ही नहीं थी, चुपचाप रहती थी, बातचीत नहीं करती थी, ऐसे तो थी। तो किसी ने उसमें से बोला कि जो है ये फोटो जो लेके गए थे कि ये फोटो है। तो एक जन बोला कि इस घर में मैं इनको देखा हूँ। तो फिर पिताजी वहां भागे, वो लोग दरवाजा बंद कर दिए कि नहीं नहीं कौन है, किसके हाथ में, हम नहीं दे सकते, पहले पूरा सबूत दो उसके बाद में। तो सबूत दिए पिताजी, पेपर ऊपर में छपवाए थे, वो सारे सबूत को पकड़ाए। तो फिर वो लोग अंदर आने दिए। जब अंदर गए तो फिर ये तो देख के मेरी बीबी पिताजी को देख के ऐसा रोना शुरू की, उनको मतलब अपने गले से लगा के। उसके बाद में फिर मेरे पास फोन आता है, फिर मैं अपने दोनों बच्चों को लेके फिर निकलता हूँ। फिर वही मेरे साथ भी वही सारी चीजें ठीक हो गए हमको लगा। फिर वहां से लेके आते हैं घर में, लेके आने के बाद में 3-4 दिन ठीक थी, फिर से वही मेरे को तो कुछ नहीं आता, दूसरे लोग कैसे हैं, तुम लोग कैसे हो, मैं कैसी हूँ। अब फिर हमका हमारे मन में तो फिर से डर जो है पैदा हो गया, फिर ये कहीं खो गई तो इसके माँ बाप तो फिर हमको फांसी में लटका देंगे, तो उससे अच्छा इसके माँ बाप के यहाँ छोड़ देते हैं नैनीताल। फिर हम लोग कैसे भी करके नैनीताल उनके माँ बाप यहाँ पहुंचाए, तो वहां जाके भी वही स्थिति। तो वो लोग क्या किए, झाड़ फूक करवाना शुरू किए। झाड़ फूक करवाते करवाते 4 महीने के बाद में मेरे पास फोन आता है कि मेरे को लेके जाओ, मैं ठीक हूँ। फिर मैं लेके आता हूँ, लगभग आज 13 से 14 साल हो गया इस बात को। 14 साल के बाद में एक दिन अचानक बताती है कि मेरे को पता नहीं कैसे कैसे लग रहा है, कैसे कैसे लग रहा है, मैं किधर जा रही हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी की स्थिति आज से 4 साल पहले का मैं बोल रहा हूँ, और ये जो मैंने कहानी सुनाया ये तो 14 साल पहले की बात है। अभी ऐसी स्थिति है कि मुझे ये याद नहीं रहता, वो याद नहीं रहता, कल क्या होता है मुझे नहीं मालूम, कल मैंने क्या की थी, क्या खाई थी, क्या पी थी, कुछ याद नहीं। और उसी बात से ये दुखी होती है। और जैसे कभी उठ भी गई सुबह, मेरे गाय भैंसों का काम है, दूध का काम है, तो सुबह उठना पड़ता है। कभी जैसे उठ भी गई मेरे साथ में, वो उठ जाएगी तो जैसे एक ही तो गाय को दोहना शुरू की, अचानक में चिल्लाना शुरू कर देगी लड़की का नाम लेके, तो लड़की दौड़ेगी, मैं दौड़ के आऊंगा, फिर उसको कुछ होश नहीं कि वो क्या मतलब कर रही थी, कहाँ जाना है, वो गोरू घर में गोबर के अंदर में ही सो जाएगी, वही लेट जाएगी और वही काप खाओ। इतना अजीब उनको महसूस होगा, इतना खराब लगेगा कि पागल टाइप के, कि क्या है उसको। कभी कभी मेरे को बताती भी है कि मेरे को लगता है कि मुझे डिप्रेशन भी है और कुछ पागलपंती भी है, ऐसा वो बताती है। लेकिन हमको अच्छा, बीच में कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा कि डंडा पकड़ के बैठ गई 4 बजे कि मेरे को जो भी काम के लिए बोलोगे इस डंडे से उसको मारना है मेरे को, मैं आपको मतलब कुछ नहीं अटका रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ।